तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले फायरबोल्ट ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था, फायरबोल्ट कोलाइड। यहाँ पे आज के वीडियो में देखेंगे इसी का ही अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू देखेंगे, क्या ये जो है फायरबोल्ट के फायरबोल्ट कोलाइड यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओवरऑल इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग रिव्यू और देखेंगे 4000 रुपीज में फ्रेंड्स ये आता है फायरबोल्ट कोलाइड यहाँ पे कितना अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि बॉक्स तो बहुत ही एक अच्छा प्रीमियम पैकेजिंग के साथ बड़ा ही बॉक्स देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ओवरऑल आउटपुट भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फायरबोल्ट कोलाइड का यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे इस वीडियो में। वीडियो में देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये है यहाँ पे फायरबोल्ट कोलाइड ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन यहाँ पे देखेंगे तो 33.5 mm, मतलब 1.32 इंचेस का रेटिना लेवल, HD डिस्प्ले, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर, यहाँ पे MS धोनी का सिग्नेचर है। और बैक पोर्शन पे देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, मल्टीपल वॉच फेसेस, स्मार्ट नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट्स, अलार्म टाइम्स, स्मार्ट वॉच, स्टॉप वॉच, SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग का यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है। और ये यहाँ पे मेन फीचर्स इसका लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 70 स्पोर्ट्स मोड, IP68 वाटर रेजिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट के साथ भी आता है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो पिक्सल रेजोल्यूशन दिया गया, अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन, ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसके अंदर है। तो चलिए क्विकली बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमको फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच यूज़र मैनुअल यहाँ पे कुछ इतना बड़ा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से पेज है, तो कुछ नहीं समझ में आता था फ्रेंड्स, आप लोग डेफिनेटली इस यहाँ पे यूज़र मैनुअल को देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक एक्सेसरीज का सेक्शन है, जिसके अंदर यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग का मैग्नेटिक पिन देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये एक्सेसरीज वाले सेक्शन में आता है। तो फिलहाल इसको रखते हैं साइड में। और ये है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे फायरबोल्ट कोलाइड। तो यहाँ पे ये है हमारा स्मार्ट वॉच, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है लुक एंड फील वाइज यहाँ पे। तो फिलहाल इसको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो फ्री 3 मंथ्स का यहाँ पे म्यूज़िक गाना का आप लोगों को सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलता है इसके अंदर यहाँ पे, मतलब ये कुछ कूपन सेक्शंस हो गए यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये एक और यहाँ पे यू हैव वोन द एक्सक्लूसिव बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप आप लोगों को यहाँ पे देखने को, जिसमें आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी कार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है फायरबोल्ट का। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो फिलहाल सबको हटा के मेन डिवाइस को बीच में ले लेता हूँ। ये है हमारा फायरबोल्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि कोलाइड। तो ये कुछ इस तरीके से स्टिकर देखने को मिलता है। फिलहाल स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे बूट करते हैं। तब तक यहाँ पे मैं आपको कुछ और फीचर स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ। तो यहाँ पे अगर साइड देखेंगे तो फ्रेंड्स फायरबोल्ट का ब्रांडिंग है कंटिन्यूस हेल्थ मॉनिटर करके लिखा गया है। मैग्नेटिक पिन पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है और ये यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे ये देखेंगे तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा एक पॉली कार्बोनेट बॉडी यहाँ पे देखने में लगता है। तो लुक एंड फील वाइज तो काफ़ी ज़्यादा सही है फ्रेंड्स। मैट फिनिश के साथ यहाँ पे ये आता है। तो ओवरऑल देखने में लुक एंड फील वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। वहीं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिला एक स्पीकर पोर्शन, और वहीं राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बटन और यहाँ पे एक माइक्रोफोन। तो ये जो बटन है फ्रेंड्स ये पुश बटन है और यहाँ पे ये स्लाइड भी होता है कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो। और एक फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का सा एक वाइब्रेशन के साथ दिया गया है कि फ्रेंड्स जैसे आप रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये है हमारा वॉच यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। और स्ट्रैप की बात करूँ तो फ्रेंड्स स्ट्रैप भी यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स टेक्सचर्ड फिनिश के साथ आता है और मैट फिनिश है, बहुत ही अच्छा है। डिटैचेबल स्ट्रैप यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये है कि अच्छा कि आप लोग फ्रेंड्स ये नहीं, अगर आपको दूसरा पसंद आता है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो। डिटैचेबल स्ट्रैप के साथ यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और ये है हमारा फ्रेंड्स फायरबोल्ट कोलाइड का यहाँ पे स्मार्ट वॉच का स्मार्ट फेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बात करूँ तो ये 1.32 इंचेस का एक रेटिना डिस्प्ले देख देखने को मिलता है और ये फ्रेंड्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ नहीं आता है। तो ये आप लोग अपने ध्यान में रख लीजिए। और यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉप टू बॉटम करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश लाइट का ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे नाइट का मोशन है, कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे ब्राइटनेस, तो आपके अकॉर्डिंगली आप लोग को जितना ब्राइटनेस चाहिए, अगर आप इंडोर है आउटडोर है तो उस हिसाब से फ्रेंड्स आप लोग ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से आता है। सेटिंग्स में आप लोग को डायल, थीम
ब्राइट स्क्रीन टाइम आप लोगों को कितना चाहिए। तो जैसे कि सपोज अभी स्क्रीन टाइम 5 सेकंड का है, तो आप लोग 10 सेकंड 15 सेकंड तक भी स्क्रीन टाइम अपने अकॉर्डिंगली आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता था। तो मैं इन्फो की बात किया जाए तो ये यहाँ पे देख लीजिए मॉडल नंबर वर्जन पूरा का पूरा चीज़ इसके बारे में लिखाया गया है। और यहाँ पे QR कोड यहाँ पे है कि आप लोग अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप टू बॉटम से फ्रेंड्स आप लोगों को निकलता है। और वहीं नीचे से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन सेक्शन रहेगा। वहीं अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट अगर आप स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को एप्लीकेशंस इसके अंदर मतलब जो भी ऐप है इसके अंदर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स लोगों के साथ। और वहीं राइट टू लेफ़्ट में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेप्स देखने को मिलेगा आप लोगों का, मतलब कितना आप लोग ने डे टू डे लगा, कितना आपका रनिंग हुआ है, कितना किलोमीटर आपने कैलोरीज बर्न किया, उस हिसाब से आप लोग को पूरा का पूरा चीज़ मेंशन किया गया है। साथ ही में हार्ट रेट सेंसर भी लिखा गया है यहाँ पे, SPO2 यहाँ पे बताया गया है, स्लीप मॉनिटर करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, म्यूज़िक कंट्रोल है, ब्लूटूथ इज डिसकनेक्टेड, वेदर के बारे में भी आप लोग को दिखाएगा। और ये यहाँ पे बर्ड गेम और नंबर क्लॉस्टिस की, तो यहाँ पे इसमें गेम भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स इसके अंदर यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब इसके साथ अपने फ़ोन के साथ पैरअप करके आप लोग को इसको ऐप का UI इंटरफेस आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने अपना फायर बोल्ट यहाँ पे अपने फ़ोन के साथ पैरअप कर लिया ग्लोरी फ्रेट नाम के एप्लीकेशन के साथ। या फिर इसका यहाँ पे QR कोड है फ्रेंड्स, वो भी आप लोग इसके अंदर से ही आप लोग स्कैन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। अगर आप मैं आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पे QR कोड है, तो यहाँ पे ये भी स्कैन करके आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स होम में, जहाँ पे आपका डेली यहाँ पे स्टेप्स बताएगा कितना है, कितना गोल है, डिस्टेंस है, किलोस, कैलोरी, स्लीप, और यहाँ पे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन प्रेशर, मूड यहाँ पे कैसा है उस तरीके से। साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्टेंस, ड्यूरेशन, स्पीड, हार्ट रेट यहाँ पे बताएगा। उसके अंदर डिवाइसेस में आप लोग को ब्लूटूथ कॉल यहाँ पे बैटरीज भी बता रहा है कि कितना है क्या है, और ब्लूटूथ कॉल में आप लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आप पे इनेबल ब्लूटूथ कॉल। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से आप लोग ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे देखेंगे तो वॉच फेसेस भी यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको डाउनलोड करना है वो आप लोग करके वॉच फेसेस लगा सकते हैं। हार्ट रेट यहाँ पे, फ़ोन, SMS, ऐप, सेडेंटरी रिमाइंडर चाहिए आप लोगों को, लाइट अप चाहिए यहाँ पे, डू नॉट डिस्टर्ब, मोर सेटिंग्स में जाना है तो आप लोग मोर सेटिंग्स में जाके शेक टू टेक पिक्चर यहाँ पे है, फाइंड डिवाइसेस है यहाँ पे, तो फाइंड डिवाइसेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। म्यूज़िक यहाँ पे बज जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे बंद कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और साथ ही में यहाँ पे 24 आवर्स टाइम आप लोग को जिस तरीके से चाहिए यहाँ पे तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोफाइल जितना आपको कैलोरीज करना है, जितना ट्रेन करना है, जितना है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग सब चीज़ सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का इंटरफेस है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है कुछ। और यहाँ पे जैसे बता दें स्पोर्ट्स में आप लोग को आउटडोर ट्रेडिंग, ट्रेडमिल है, वॉकिंग है फ्रेंड्स, माउंटेन हाइक है। बट ये एक चीज़ है कि फ्रेंड्स इसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्विमिंग का कोई ऐसा डेडिकेटेड मोड नहीं है फ्रेंड्स। ऑल्दो ये IP68 रेटिंग है, यानी कि पानी के अंदर जाएगा तो भी ख़राब नहीं होगा, बट एज सच कोई स्विमिंग मोड आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे। तो चलिए ब्लूटूथ कॉलिंग करके मैं आप लोगों को इसका स्पीकर का भी आउटपुट सुनाता हूँ कि किस तरीके से स्पीकर आउटपुट देखने को मिलता है इसका। अगर आप आवाज़ सुनेंगे तो अब मैंने अपने ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच से कॉल किया है फ्रेंड्स यहाँ पे। हेलो, किस तरीके का आपको आवाज़ आ रहा है मेरा यश? तो आप लोग नहीं, बैकग्राउंड कितना कैप्चर कर रहा है? ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच है, बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड का तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, काफी क्लियर साउंड आ रहा है। ओके ओके, तो फ्रेंड्स सुन सकते हैं आप लोग को जो आवाज़ है फ्रेंड्स क्रिस्टल क्लियर, और आप लोग देख सकते हैं कि जो स्पीकर का आउटपुट है वो कितना ज़्यादा लाउड है। तो आपका फ्रेंड्स आप लोग आप कुछ बोल सकते हैं यश? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, भले ये स्मार्ट वॉच हो लग नहीं रहा था उतना कि उससे बात हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट कॉल पे बात हो रहा है। ओके, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा इसका आवाज़ क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और बैकग्राउंड भी कोई नॉइज़ नहीं है कुछ।
ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग सुन सकते हैं कितना ज़्यादा लाउड स्पीकर भी है और सामने वाले को ब्लूटूथ कॉलिंग से कॉलिंग का भी अच्छा आउटपुट मिलता है इसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे कह सकते हैं ये है स्मार्ट वॉच का कॉलिंग ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग भी कॉल करके फ्रेंड्स आप लोग मतलब ऑन द गो में अगर आपको कॉल करना है तो आप लोग कॉल कर सकते हो। स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड यहाँ पे इसका देखने को मिलता है और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो फ्रेंड्स ट्रेनिंग स्टेटस फ़ोन हार्ट स्लीप तो बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें AI फंक्शन भी है, AI वॉइस प्लीज़ क्लिक। तो अगर मैं वॉच द टेम्परेचर आउटसाइड तो यहाँ पे सुन सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को वॉइस असिस्टेंट वॉइस कमांड भी देखने को मिलता है इसके अंदर यहाँ पे फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ अच्छा है कि फ्रेंड्स AI तरीके से काम करता है। ऑब्वियसली फ़ोन के साथ आपको पैर अप करना पड़ेगा तो ही यहाँ पे ये फ्रेंड्स कनेक्ट करके आप लोगों को थ्रू इंटरनेट आप लोगों को बताएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे कि बता दिया फ्रेंड्स बहुत सारे आप लोगों को मोड्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ऑल बहुत मतलब सही ओवरऑल आउटपुट इसका सही है फ्रेंड्स। यहाँ पे टच कंट्रोल भी बहुत ही सही है यहाँ पे और फुल रिव्यू में बताऊँगा कितने अच्छे तरीके से काम करता है। बट फिलहाल के लिए जो फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत ही सही देखने को मिलता है। ओवरऑल स्ट्रैप क्वालिटी यहाँ पे वॉच फेस कह सकते हैं वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। हाँ एक चीज़ है कि फ्रेंड्स आप लोगों को देर इज़ नो एज सच डेडिकेटेड स्विमिंग मोड और यहाँ पे बट ठीक है ओवरऑल सही देखने को मिलता है बाकी सबके हिसाब से यहाँ पे। और बैटरी लाइफ की बात करें तो सिंगल चार्ज पे ये यहाँ पे करीबन अगर आप वॉइस असिस्टेंट ब्लूटूथ कॉलिंग सब ऑन रखते हैं तो 24 आवर्स तक का मैक्सिमम ही आउटपुट दे देगा। विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग पे ये 4 से 5 दिन का आउटपुट दे देगा फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये एक चीज़ अच्छा है कि फ्रेंड्स को मतलब बैटरी भी बहुत ही सही देखने को मिलता है और ओवरऑल एक गुड लुकिंग यहाँ पे फ्रेंड्स स्मार्ट वॉच देखने को मिलता है फायर बोल्ट की तरफ से फायर बोल्ट कोलाइड। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये पसंद आता है स्मार्टफोन तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से जाके आप लोग फ्रेंड्स इसे बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर वॉल फीचर्स बदलना है सिंपली आपको यहाँ पे ये जो बटन है इसको आप लोग को रोटेट करना है तो आपके अकॉर्डिंगली जो वॉच फेस आपको चाहिए वो वॉच फेस पे यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देयर यू गो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है फायर बोल्ट कोलाइड। बाकी आप बताओ कैसा लगा आपको यहाँ पे ये फायर बोल्ट कोलाइड स्मार्ट वॉच कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, अगर खरीदना है तो बाइंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद है वीडियो कर दो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब बने टेकन चैनल के बाद पूछ रही। जय हिंद, पीस आउट।